Good morning, students. In today's class, we will revise the topic subject and verb. The subject is the person, animal or place we talk about in a sentence. Subject kya hota hai hamara? Jab hum ek sentence mein kisi person, animal ya place ke baare mein baat karte hain, to wo hamara subject hota hai. The verb is the action done by the subject. वर्ब क्या है? जो भी एक्शन हमारे सब्जेक्ट करता है वो हम क्या कहेंगे? वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द बीज फ्लाई. सो हियर द बीज आर द सब्जेक्ट. बीज क्या हो गया? सब्जेक्ट. और फ्लाई क्या हो गया? वर्ब. इसमें एक्शन क्या हो रहा है बीज का? फ्लाई. तो फ्लाई हमारा वर्ब है. कैपिटलाइजेशन. इन अ सेंटेंस सम वर्ड्स नीड्स टू बिगिन विद द कैपिटल लेटर. अब जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा जाता है. गुड राइटर्स नो वेयर टू यूज कैपिटल लेटर्स. जो गुड राइटर्स होते हैं उनको मालूम है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज करना है. सो हेयर आर सम रूल्स वेयर वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स. ये कुछ रूल्स हैं जहां पर हमें कैपिटल लेटर्स यूज करना होता है. फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. द डॉग वॉज सैड. हेयर द फर्स्ट वर्ड इज टी. टी फर्स्ट वर्ड है तो टी हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ. प्रॉपर नाउन्स इन अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. सबको मालूम है प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? यस, प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, पर्टिकुलर नेम. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जब हम बोलेंगे तो वो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन. जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का बात होती है तो हमें उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए उस वर्ड को. फॉर एग्जाम्पल, रमन वेंट टू मुंबई टू वॉच द मैच. रमन मुंबई गया मैच देखने के लिए. सो रमन इज द प्रॉपर नाउन एंड मुंबई इज द प्रॉपर नाउन. इन दिस वी हैव रिटन आर इन अ कैपिटल. एक तो ये फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का इसलिए कैपिटल, और ऊपर से ये प्रॉपर नाउन है. सो वी हैव टू राइट दिस इन अ कैपिटल, एंड आई एम ऑल्सो वी हैव टू राइट इन अ कैपिटल लेटर बिकॉज मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज व्हेन वी यूज आई टू रिफर टू आवरसेल्फ्स. जब हम आई लिखते हैं अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं एक सेंटेंस में, इट शुड बी अ कैपिटल लेटर. वो भी एक कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. एग्जाम्पल, रिया एंड आई विल गो डू सम शॉपिंग नेक्स्ट वीक. रिया और मैं कुछ शॉपिंग करने नेक्स्ट वीक जाएंगे. तो सो हेयर आई इज ऑल्सो रिटन इन अ कैपिटल लेटर. यहाँ पर आई भी हमें कैपिटल लेटर में यूज करना है. ओके, हेयर इज वन स्टोरी फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑथर, इट इज रिटन बाय साक्षी भाटिया. We start the reading. Rohit has a world map in his room. Rohit ke paas ek world map hai apne room mein. He has marked places on it that he wants to see. Usne wahan pe places mark kar rakhi hain jo usko dekhni hai. He dreams about them every night. Wo roz raat ko unke bare mein dream karta hai. Dream matlab sapna dekhta hai. He can see himself flying in a hot air balloon. वो अब क्या देख रहा है कि वो एक हॉट एयर बैलून में फ्लाई कर रहा है. He is flying across India. वो across India मतलब सब जगह फ्लाई कर रहा है. Wow, a white marble building, the Taj Mahal. वो क्या अब क्या देख रहा है? एक white marble building है. वो क्या है हमारा? ताज महल. He then flies to a new country. He sees a long, long wall. उसके बाद वो कहाँ जाता है? एक न्यू कंट्री में जाता है जहां पर वो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स देख रहा है. Which country is this? अब वो सोचते हैं ये कौन सी कंट्री है.
Did you know the Taj Mahal and the Great Wall of China are part of seven wonders of the world? आप सबको पता है ताज महल एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी देम. जो पीपल हैं अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वो सब इसको देखने इनको देखने आते हैं. दिस मस्ट बी चाइना. अब वो सोच रहा है वो क्या था जहां पे बड़ी बड़ी वॉल्स थी, वो चाइना है. ही देन फ्लाइज लोअर एंड लोअर. फिर वो नीचे की साइड आता जा रहा है. ही सीज पीपल ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर. वो देखता है कि जो पीपल हैं वो कोकोनट वाटर ड्रिंक कर रहे हैं. ही हियर्स देम स्पीकिंग इन सिन्हलीज. वो सुनता है कि वो सिन्हलीज में बोल रहे हैं. विच कंट्री इज दिस. अब वो सोचते हैं ये कौन सी कंट्री है. दिस मस्ट बी श्रीलंका. अब ये कौन सी है, श्रीलंका. ही लुक्स एट द मैप अगेन एंड थिंक्स. वो फिर मैप को देखता है और सोचता है आई कैन नॉट फ्लाई इन अ बैलून टू गो टू दीज प्लेसेस. अब मैं यहाँ पे जाने के लिए बैलून से तो नहीं जा सकता. ही सेज. वो बोलता है डू यू नो हाउ आई कैन गेट देयर. आपको पता है वो कैसे जा सकता है. ओके okay. Now here are some vocabulary words. Vocabulary words are those that you have read it first time. It means difficult words. First word is world map. World map. World map क्या होता है, जिसमें सारी places के name लिखे होते हैं. Coconut. You all know what is coconut. Dreams. सबको मालूम है, सपने देखना. Hot air balloon. हॉट एयर बैलून सबको मालूम है. थिंक सोचना. यू हैव टू राइट दीज वोकेबुलरी वर्ड्स इन योर नोटबुक. आप सबको ये वोकेबुलरी वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग प्रेडिक्शंस. अ प्रेडिक्शन इज अ गैस अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट इन अ स्टोरी. प्रेडिक्शन क्या होता है, गैस करना कि अब स्टोरी में क्या होगा. These are made based on the pictures, the events of the story and the information we already know. अब ये कैसे होगा, जो हमें pictures बनी होती हैं books में या फिर कोई events जो बताया जाता है या जो information हमें already दे रखी होती है, तब हम उस basis पे prediction बनाते हैं कि next क्या होगा. Prediction to guess which country this is. Prediction क्या था इसमें कि कौन सी country हो सकती है. I know that the boy is over India. I can see the Indian flag. अब हमें पता है कि जो boy है वो India में है और हमें Indian flag दिख रहा है. I know that it takes time for a hot air balloon to come down. मुझे पता है कि hot air balloon को नीचे आने में थोड़ा time लगता है. I predict that the boy will reach Sri Lanka. मुझे लगता है जो boy है वो Srilanka में lie down होगा. Now the next topic that we will revise are blend sound. Today's blend sound is FR blend. First word is fry. Fry. Fruit. Fruit. Friday. Friday. Frock. Frock. इन सब वर्ड्स में आप देख सकते हैं हमारे स्टार्टिंग वर्ड्स जो हैं एफ आर से स्टार्ट है. सो दीज आर ब्लेंड साउंड्स. फ्र. सबके साउंड्स कैसे आ रही है, फ्र. फ्राई, फ्रूट, फ्राइडे, फ्रॉक, फ्रैन, फ्रेट, फ्रॉग, फ्रैंक. Next is DR blend sounds. Dragon, draw, drink, dress. Beginning words are starting from DR. In sub words mein beginning sounds hamara DR se start hai. Drip,
drag, drop, drum. Drawing conclusions. Drawing a conclusion is looking at the picture. पिक्चर को देख के कोई भी कंक्लूजन बनाना हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉइंग अ कंक्लूजन. थिंकिंग अबाउट वॉट यू ऑलरेडी नो एंड सेइंग वॉट यू थिंक इज हैपनिंग. ड्रॉइंग को देखकर हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें क्या मालूम है और क्या हो सकता है. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर. दे लैंड इन चाइना. नी हू से दिस देयर होस्ट. नी हू होस्ट ने बोला है, लुकिंग एट द पिक्चर आई नो दैट दे आर इन चाइना. पिक्चर को देख के हम मान सकते हैं कि वो चाइना में है. समवन इज सेइंग नी हू. कोई क्या बोल रहा है, नी हू. सो आई कैन से दैट पीपल इन चाइना से नी हू टू ग्रीव समवन. हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो चाइना में पीपल हैं वो नी हू बोलते हैं. नी हाउ टू ग्रीट समवन. किसी को ग्रीट करने के लिए वो क्या बोलते हैं, नी हाउ. सो ये है एक पिक्चर को देख के कंक्लूजन बनाना. आप भी जब किसी पिक्चर को देखते हो तो एक माइंड में बना लेते हो कि ये क्या कर रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे. तो एक एज्यूम करना कि ये इसमें हो क्या रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स. स्टूडेंट्स, you have to complete the worksheet till 15, from worksheet 1 to worksheet 15. Thank you, students.